हे एवरीवन, कुछ कुछ होता है मूवी देखे हो? ये वो मूवी है जिसने फ्रेंडशिप डे और फ्रेंडशिप बैंड को फेमस किया, जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे बस एक बैंड पहना के आप किसी को भी अपना फ्रेंड बना सकते हो। वेल, काश रियल लाइफ में भी फ्रेंड बनाना इतना आसान होता। वेल, रियलिटी तो ये है कि आज के टाइम पे हर कोई दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को दोस्त बनाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क लगता है। सच कहूं तो दोस्त बनाना एक पीपल स्किल है, और जिसने ये स्किल सीख ली तो फिर हर कोई उस इंसान का दोस्त बनना चाहेगा। वेल, यही पीपल स्किल आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपने वो पीपल स्किल सीख लिए और सही तरीके से अप्लाई करना शुरू कर दिए, तो फिर किसी को भी अपना दोस्त बनाना आपके लिए वो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंटली किसी को भी दोस्त बनाना चाहते हो और वो पीपल स्किल को सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले, अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी mr.eus23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, द फ्रेंडशिप फॉर्मूला। किसी से भी एक अच्छी, ट्रू और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप करने का ऑथर इस बुक में फॉर्मूला बताते हैं, जो कि है फ्रेंडशिप इक्वल टू प्रॉक्सिमिटी प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस ड्यूरेशन प्लस इंटेंसिटी। अब यहाँ पहले प्रॉक्सिमिटी का मतलब है फिजिकली क्लोज होना। वेल, मैं इंटीमेट होने नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ क्लोजनेस का मतलब कुछ चीजें शेयर करना, भले से वो सेम ऑफिस स्पेस हो, टिफिन शेयर करना होगा, कॉलेज जाने के लिए ऑटो शेयरिंग करके जाना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, विच मीन्स कितना ऑफनली और रेगुलरली आप एक दूसरे से मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। जितना रेगुलरली इंटरेक्ट करोगे, उतना फैमिलियरिटी और कंफर्ट बढ़ेगा, जो एक फ्रेंडशिप को बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा है ड्यूरेशन, विच मीन्स कि आप कितना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हो। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग होगी, और फिर उतना ज्यादा फ्रेंडशिप बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। और लास्ट है इंटेंसिटी, विच सिंपली मीन्स अपने इमोशन को शेयर करना। अगर बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, तो फिर वो इंसान अपने हर इमोशन, हर मोमेंट को आपके साथ शेयर करना पसंद करेगा, भले से वो हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, सक्सेस हो, या कोई टफ फेज जो आपकी फ्रेंडशिप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देगा। इसलिए ट्रू फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो ऑथर के बनाए हुए इस सिंपल फॉर्मूले को जरूर फॉलो करें। लेसन नंबर 2, द गोल्डन रूल ऑफ फ्रेंडशिप, मेक पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्फ। लोग आपको पसंद तब करते हैं जब आप उनको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल फील कराते हो। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप करने के लिए आपको सामने वाले को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फील कराना होगा, उन्हें हर वक्त एंकरेज करते रहना होगा, उनके हर एक ओपिनियन, हर एक फीडबैक की वैल्यू करना होगा। कहने के लिए एक बहुत भारी डिफिकल्ट टास्क जैसा लगता है, लेकिन कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप ये सभी चीजों को बहुत इजीली कर सकोगे। जैसे कि रेगुलरली उनके काम को रिकॉग्नाइज करके उन्हें कॉम्प्लीमेंट दो, उन्हें अच्छे से सुनो और उनकी बातों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। अगर वो टफ फेज से गुजर रहे, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करके उन्हें सपोर्ट देके एनकरेज करो। उनकी छोटी पर्सनल डिटेल्स याद रखो, जैसे कि बर्थडे, हॉबीज, फेवरेट कलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितना पॉजिटिव इमोशन शो करोगे, उतना ज्यादा वो खुद को आपसे कनेक्ट कर सकेंगे। लेसन नंबर 3, द लॉ ऑफ लाइकिंग, पीपल लाइक दोस हु लाइक देम। जब आप लेसन नंबर 2 को फॉलो करने लगोगे, तो इसका रिजल्ट आपको आपके फेवर में ही देखने को मिलेगा। कैसे? वेल, बताता हूँ। जब पीपल लाइकेबल और अप्रिशिएटेड फील करते हैं, तो फिर वो भी उसी वे में रेस्पॉन्ड करते हैं। मतलब वो भी फिर आपको लाइक करने लगते, आपके काम को अप्रिशिएट करते, आपके इमोशन को समझते, जिससे फिर अल्टीमेटली दोनों साइड से वो फ्रेंडशिप का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने लगता है। लेसन नंबर 4, द 60-second फ्रेंडशिप फॉर्मूला। वेल, अभी तक जो भी लेसन मैंने बताया, वो तो आप उस इंसान पे अप्लाई करोगे जिसे आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ी बहुत बातें कर चुके होगे। लेकिन व्हाट इफ अगर आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो और वो इंसान आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और उससे आप एक अच्छी फ्रेंडशिप करना चाहते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करोगे? वेल, देखा जाए तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, और इसलिए इस स्टेप को भी इजी बनाने के लिए ऑथर यहाँ भी एक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कहते हैं, जिसे कहते हैं 60-second फ्रेंडशिप फॉर्मूला, विच इंक्लूड्स ओपन, न्यूट्रल, क्लोज। जब आप उस इंसान से मिलते हो, तो वो एक ओपन सिनेरियो होता है, जहाँ आपको एक पॉजिटिव बिहेवियर शो करना है, एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज शो करके, एक अच्छी स्माइल देके,
और एक वार्म ग्रीट करके। फिर आता है न्यूट्रल फेस जो एक्चुअल में क्रूजुअल फेस होता है। इसमें आपको सामने वाले के कंफर्ट के अकॉर्डिंग खुद को स्विच और एडजस्ट करना होगा उनके क्यूज को ऑब्जर्व करके। अगर वो एंगेजिंग है तो अपने कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करो, बट अगर वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे तो उस टाइम उनसे ओपन एंड क्वेश्चन पूछो या कॉमन टॉपिक पे डिस्कशन करके उन्हें कंफर्टेबल फील कराओ। और लास्ट है क्लोज फेस, जहां आपको पॉजिटिव वे में उस इंटरेक्शन को क्लोज करके एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑब्जर्व किए कि बात करते वक्त सामने वाला इंसान बहुत ही एंगेजिंग था, आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखा रहा था, तो आप कह सकते हो कि इट वॉज प्लेजर टॉकिंग विथ यू, आई वुड लव टू कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन ओवर कॉफी समटाइम, सो कैन आई गेट योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। वेल, अगर इस टाइप का क्लोजर करोगे तो अगर सामने वाले इंसान को आप पसंद आए तो फॉर श्योर वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करेगा, और फिर जिसके बाद हो सकता है कंटिन्यूसली बात करने से आपका फ्रेंडशिप बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन जिसे सही टाइम पे सही तरीके से अप्लाई करके आप किसी के साथ भी इजीली फ्रेंडशिप कर सकोगे। अब टू एंड, ये बातें मैंने आपको द लाइक स्विच बुक से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट वो भी इन स्टेप को फॉलो करके किसी के साथ भी इजिली फ्रेंडशिप कर सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप किसी भी इंसान से इजिली फ्रेंडशिप कर लेते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।